हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 टू 4 और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 6 7। ओके, सो अभी स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, दैट इज पंचायती राज। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पंचायती राज बहुत कॉमन है, आप सब लोग सुने होंगे, जानते होंगे। पंचायत क्या होती है? जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और हमारा संविधान लिखाया था 1950 में, तब गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी, जैसे पिछले भी वीडियोस में हम पढ़े हैं, कि वो विलेज पे ज़्यादा फोकस करते थे, विलेज एरियाज में। तो विलेज का उनका एक सीन था कि विलेज के लिए उनको पावर दे दी जाए, विलेज के लोगों को, जो अगर उनको डिसेंट्रलाइज उनको पावर दे दी जाए तो वो अपना ज्यादा बेहतर तरह से अपना काम, अपनी समस्याओं को सुधार सकते हैं। तो उनका हमेशा सिस्टम था कि पंचायत बनाओ, विलेजेस को पावर दो। तो वही चीज है कि इसको फिर डाला गया था डीपीएसपी में, जो कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे, आर्टिकल 40 में। आगे अभी आप लोग देखेंगे आर्टिकल 40 में ये चीज डाली गई कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए। इसके कई प्रोसेस है, शुरू में नहीं बना था, बाद में ये जा करके बना। बट उनका ये सिस्टम था कि सेंटर लेवल पे जो चीज है, फिर स्टेट लेवल पे चीज है, और जो हमारे ग्राम पे चीज है उन तक चीजें पहुंचनी चाहिए। तो वही है पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत्स। पार्ट 9 में पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद से अपनी सरकार अपनी चीजों को देख सके, और लोकल मतलब अपने लोकल लेवल पे। तो इसको 3 लेवल पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे, मतलब ग्राम में आप लोग सुने होंगे ग्राम पंचायत बैठी है। फिर दूसरा आता है ब्लॉक लेवल, ब्लॉक यानी कि जुगखंड, उसमें बैठती है पंचायत समिति, जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल होती है, जिसको आप तहसील भी कह सकते हैं आम भाषा में, ब्लॉक यानी कि तहसील। और सबसे ऊपर होता है हमारा जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, वहां उसको कहा जाता है जिला परिषद। 3 क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है ब्लॉक, फिर आता है आपका विलेज। तो डिस्ट्रिक्ट में आपका जिला परिषद, ब्लॉक में पंचायत समिति, और विलेज में ग्राम पंचायत। ठीक, फिर है मेंशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलॉसफी ऑफ पंचायती राज। अब पंचायत राज का क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सीधी सी चीज है कि पंचायत का बैठने का मेन मुद्दा क्या है, कि आप वहां के जो लोगों की समस्याएं हैं उनको खुद सॉल्व करवा पाना। तो असिस्टेंस टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, जो कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको असिस्टेंस करना, उनको उनकी मदद करना। क्योंकि अगर जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब पंचायत बैठती है, कोई ग्राम सभा बैठती है, तो वहां के लोग क्या करते हैं कि उनका एक हेड होता है सरपंच। अगर कोई भी गांव में डिस्प्यूट होता है तो लोग, माफ कीजिएगा, अगर कोई भी गांव में डिस्प्यूट होता है दो लोगों के बीच, तो वो लोग उस पंचायत में आते हैं और वो सरपंच डिसाइड करता है कि सही फैसला किसके पक्ष में लेना है। तो अब ये अगर वो लोग कोर्ट जाए, अब ये लोग इतने अमीर लोग तो है नहीं, कोर्ट के चक्कर काटने में उनकी शायद पूरी उम्र निकल जाए। तो इसी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर पंचायत बैठाई गई कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स है वो अपने लेवल पे सॉल्व कर लीजिए, और आप सस्ते में या जो वीकर सेक्शन है उनको भी जस्टिस मिल जाए। देन कोहेशन एंड कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी, मतलब सब लोग मिलकर के एक सेल्फ हेल्प, आपस में एक दूसरे की मदद करके आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, ये मैं बता चुकी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या है, उनका बनाना। देन डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो एरियाज है, जो लोकल, जो और मार्जिनलाइज्ड एरियाज है, वहां पर मैन पावर बहुत ज्यादा है, मैन पावर है लेकिन काम उतना नहीं है। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक
प्लान होगा और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमारी जो मैन पावर है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन प्लानिंग। मतलब जो खेती में हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसको सबसे ऊपर रखा जाए और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाए जिससे हमारा उत्पाद बेहतर हो। प्रोग्रेसिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एंड इनिशिएटिव बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी अथॉरिटी है जिसकी भी तो उसको भी कायदे से उसको डिजॉल्व बताई जाए कि किसकी क्या अथॉरिटी है जिससे हमारा जो काम है वो बेहतर तरह से हो सके। प्रमोशन ऑफ रूरल इंडस्ट्री, ग्राम एरियाज में रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी बिटवीन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल सर्वेंट्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एजुकेशन एंड अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पीपल रिप्रेजेंटेटिव कौन? हमारे पॉलिटिशियन जो नेता होते हैं उनको वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और पीपल सर्वेंट यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि हमारे बाबू या नौकरशाह जिनको कहते हैं। तो उनके बीच में एक अगर जो पॉलिटिशियंस और हमारे जो नौकरशाह हैं ब्यूरोक्रेट्स उनके बीच में आपस में सही तरह से एक तालमेल बैठा रहे और लोग जिससे वो अपनी ड्यूटीज भी कायदे से कर पाए। नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ पंचायती राज। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी ऑफ पंचायती राज इज डीपली स्टीप्ड इन ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ रूरल इंडिया एंड सो बाई मीन्स अ न्यू नो मीन्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि पंचायती राज हम कुछ नया ला रहे हैं, ये पहले से हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में है ये चीज। ठीक। पंचायत राज प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एट द विलेज लेवल। ठीक है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इज द ग्रास रूट यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द व्हीकल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया। हम शुरू से देखते आ रहे हैं क्या हमको ग्राम रूरल इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक, सोशल यानी सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक। तो सामाजिक और आर्थिक तरह से हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट करना है। सो पंचायती राज उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ दीज बॉडीज वुड डिपेंड ऑन एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब दोनों ही जेंडर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों ही लोगों का पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी। राइट। द एम ऑफ एवरी विलेज बींग अ रिपब्लिक एंड पंचायत हैविंग पावर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू रियालिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम टू एनलिस्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट पॉइंट ये यही कह रहा है कि अगर हमको एक रिपब्लिक और जो हमारे पंचायत है या फिर रूरल इंडिया को एक डेवलप्ड एरिया बनाने हैं तो उसके लिए जो थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, थ्री टायर जो हमने यहाँ पर देखा, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम जो है उसके लिए लोगों का भागीदारी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम पंचायत। एक्सप्लेन द मेजर फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। जो कि अभी हमने देखा कि विलेज लेवल पे हमारा क्या होता है, ग्राम पंचायत। तो अभी ये स्टार्ट कर रहा है विलेज लेवल से कि ग्राम पंचायत क्या है। अ ग्राम मीनिंग अ विलेज और अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस इज डिवाइडेड इनटू मिनिमम ऑफ फाइव कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वोटर्स इन द ग्राम असेंबली। ग्राम मतलब वही गांव, मतलब गांव का इन द सेंस कि वो वाला गांव नहीं कि एक छोटा सा ग्राम, मतलब जो कुछ गांव का समूह रहता है उसको फिर हम कहते थे ग्राम। तो वही फिर जब कुछ उस वहां के लोग आपस में बैठते हैं तो हम उसको कह देते हैं ग्राम सभा, और उस ग्राम सभा से कुछ अगर लोग निकल करके रिप्रेजेंटेटिव निकल जाते हैं तो वो आ जाता है आपके ग्राम पंचायत। और उस ग्राम पंचायत में से जो इलेक्टेड लीडर्स है उसमें से कोई एक निकल के बनता है, कौन बनता है? सरपंच। ये टोटल सिस्टम है, आप देखते जाइए धीमे धीमे। फ्रॉम ईच दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज वन मेंबर इज इलेक्टेड। कई जैसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें से एक, जैसे एक ग्राम सभा है वहां से एक, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्टेड हुआ और बॉडी ऑफ दीज इलेक्टेड मेंबर्स इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। अब हर जैसे पांच, मान लीजिए पांच कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पांच में से एक एक हुआ तो वो पांच बने ग्राम पंचायत। और अब वो स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पांच है कि छह है कि दस है, वो डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ वोटर्स। और फिर इट इज अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ इन इंडिया। मतलब सबसे जो ग्रास रूट लेवल, सबसे नीचे लेवल पे जो हमारा है स्ट्रक्चर वो है हमारा ग्राम पंचायत।
क्योंकि ये गांव गांव से नीचे फिर आपका कुछ ज्यादा इतना होता नहीं है। गांव इज द लोएस्ट लेवल जहां पर कोई भी सुविधा सबसे देर में, कहते हैं कि गांव में अगर कोई सुविधा आई है तो सबसे देर में पहुंचती है, तो वहां के लोगों को कैसे हम उनका अपलिफ्टमेंट कर सके, ये सारा चीज उसी के लिए। तो वही है ग्रासरूट लेवल ऑफ इंडिया के लिए, वहां पर भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पहुंचाने की बात करते हैं। देन इट इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एक्टिंग एज अ कैबिनेट ऑफ द विलेज। ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से खोला गया है, इसका पूरा प्रावधान है हमारे संविधान में, ये अभी आगे चल के आप देखेंगे। द ग्राम सभा वर्क एज अ जनरल बॉडी ऑफ द ग्राम पंचायत, मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग का लाइट है तो आप लोग तो फोकस करके देखिएगा। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज पंचायत। हर जैसे हमारा सेंटर होता है एक बजट बनाता है, हमारा स्टेट होता है एक स्टेट बजट बनाता है, वैसे ही हमारे जो ग्राम पंचायत है वो भी अपना बजट बनाएंगे, बजट या फिर एनुअल प्लान कि कहाँ पर कैसे क्या खर्चा करना है, या फिर अपनी पूरी प्लानिंग वो चीज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल बजट ऑफ विलेज पंचायत, अभी मैंने बताया। मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीफ इन नेचुरल कैलामिटीज, हर एक चीज जो आप सेंटर पे या स्टेट लेवल पे देखते हैं, हर वो चीज वही आपके ग्राम लेवल पे भी होती है, कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा आ गई तो उसके लिए हम कैसे राहत कार्य रख सकते हैं, तो इसकी प्लानिंग कौन करेगा, वही विलेज पंचायत, वहां के लोग बेहतर तरह से समझते हैं अपनी दिक्कतों को। ठीक, नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज, अतिक्रमण हटाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटरी लेबर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर कम्युनिटी वर्क्स, ठीक है, वॉलेंटरी लेबर्स देना और कम्युनिटी वर्क के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना, इसके लिए भी वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल स्टैटिक्स ऑफ विलेज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जैसे हर आपका सेंटर का होता है स्टेट का होता है, वैसे ही आपका विलेज का भी होगा, तो उसका वो सारी स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करना। सर्विस और डेवलपमेंटल फंक्शन सच एज प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ गवर्नेंस, हेल्थ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, मेन रोल इज टू वॉइस एंड रिप्रेजेंट द ओपिनियन, जिसकी भी कोई बात है उसको रखना सबके सामने। रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन विच कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इतनी ज्यादा पावर सभी नहीं दी जाती है इन लोग को, बट हाँ फिर भी कुछ लेवल हद तक रहती है ताकि ये अपना खर्चा निकाल सके। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पंचायत समिति, एक्सप्लेन द मेजर फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति किस लेवल पे था हमारा, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक यानी कि आपका तहसील भी कह सकते हैं, तो आप लोग सुने होंगे तहसीलदार, जो तो तहसीलदार मतलब आपके जो ब्लॉक लेवल पे जो आपका सारा मैनेजमेंट देख रहा है, एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट उसको कह सकते हैं। यहाँ पर पंचायत समिति की बात करते हैं, खैर वो ब्यूरोक्रेटिक हुआ, यहाँ पर पंचायत समिति की हम बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। पंचायत समिति इज अ रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायत बॉडी एट द इंटरमीडिएट लेवल इन इंडिया। इट वर्क फॉर द विलेजेस ऑफ द तहसील दैट टूगेदर आर कॉल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक। वही सारी चीजें हैं सेम जैसी आपकी ग्राम पंचायत है, बस ग्राम में आपकी वो विलेज लेवल पे काम कर रही है, पंचायत समिति आपकी तहसील के लेवल पे काम कर रही है। इट इज सेड टू बी द पंचायत ऑफ पंचायत, मतलब अब ग्राम, जैसे ग्राम पंचायत कई सारे ग्राम पंचायत होंगे विलेज लेवल पे, अब उससे ऊपर ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव आते हैं, कई सारे ग्राम पंचायत, तो कई सारे, तो अब यहाँ पर कई सारे ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, तो यही आपका कहा गया जो पंचायत समिति है, इज द पंचायत ऑफ पंचायत, मतलब कई सारे पंचायत मिल करके जो ऊपर बन रहा है वो पंचायत ऑफ पंचायत हुआ, राइट। नेक्स्ट सेम वही, वहां पर आपका एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता है, जो कि आम भाषा में हम कहते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू दैट एरिया। कुछ मार्जिनलाइज्ड या अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर वुमेन, ये सब भी वहां पर इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं।
5 साल की बॉडी है. समिति इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स एंड इज हेडेड बाय चेयरमैन एंड अ डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति. जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत में एक हम सरपंच चुन रहे थे, वैसे ही पंचायत समिति में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें से हम एक चेयरमैन और एक डेप्यूटी चेयरमैन चुनते हैं. वन सरपंच समिति सुपरवाइजेस द अदर ग्राम पंचायत. इट एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ग्राम पंचायत. मतलब अब भाई पहले डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका पंचायत समिति है और फिर ग्राम पंचायत है. तो अब ये डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत के बीच में एक एक पर्सन होता है सरपंच समिति, राइट. वो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है. फंक्शंस सेम होंगे कि सुपरविजन ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द ब्लॉक. जैसे ग्राम पंचायत में हम विलेज लेवल पे बात करेंगे वही चीज, और समिति पे हम ब्लॉक लेवल पे और उसके डेवलपमेंट लेवल की बात करेंगे. वही सारी चीजें हैं. यू कैन रीड इट. नेक्स्ट इज जिला परिषद एंड एक्सप्लेन द मेजर फंक्शंस ऑफ जिला परिषद. जिला यानी कि आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर होता है जो कि जिला. अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में हमारे कितने 75 जिले हैं यूपी स्टेट में. तो द जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मंडल परिषद इज द थ्री टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एंड फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ऑल स्टेट्स. जिला परिषद इज एन इलेक्टेड बॉडी. ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक पंचायत आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन जिला परिषद. मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स की बात है, ठीक है. लिंक बिटवीन एट द विलेज लेवल ग्राम पंचायत, ठीक है. चेयरमैन ऑफ ऑल पंचायत समितीज अंडर द डिस्ट्रिक्ट आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद. मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, पहले है डिस्ट्रिक्ट, फिर ग्राम सॉरी क्या है ये पंचायत समिति, ठीक है. पंचायत समिति, अब पंचायत समिति यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, कई सारे ब्लॉक होंगे. हर ब्लॉक की एक पंचायत समिति होगी, हर पंचायत समिति का एक चेयरमैन होगा, ठीक. तो हर जो चेयरमैन है, जैसे जो एक चेयरमैन है वो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप वो जिला परिषद का मेंबर हो जाता है. जो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे, उसके अंडर कई सारे चेयरमैन आएंगे जो ब्लॉक्स के हैं, तो वो जो चेयरमैन हुआ वो बाय डिफॉल्ट उस जो जिला परिषद है उसका मेंबर हो जाएगा. वही लिखा है द चेयरमैन ऑफ ऑल पंचायत समितीज अंडर द डिस्ट्रिक्ट आर एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफॉल्ट अपने आप मेंबर्स ऑफ जिला परिषद. द डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अंडर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. द सीईओ, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है. और द सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर यानी कि कोई टीसीएस का कोई सीनियर ऑफिसर हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हेड करता है पूरा जिला परिषद का. तो ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है. सीईओ जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो पूरा आपके सारे ब्लॉक्स को सुपरवाइज करता है. उनका क्या क्या फंक्शन होता है भाई, एडवाइजरी बॉडी फॉर ब्लॉक्स, अप्रूव्स बजट एंड प्लान फॉर ब्लॉक्स. मतलब सारे जितने ब्लॉक्स हैं उन सबका बजट अप्रूव करना इन्हीं के हाथ में होता है, ठीक. अलॉट्स फंड्स टू द ब्लॉक्स, जितने फंड है उनके थ्रू ही. इसीलिए जो आईएएस की पोस्ट है इतनी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि उनके पास सारे उनके अंडर ही सारी चीजें फंक्शन करती हैं, राइट. इट अप्रूव्स बजट एंड प्लान फॉर ब्लॉक्स. एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस काउंसिल एंड इट शुड एडवाइज गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट टू. राइट शॉर्ट नोट ऑन इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. इसको नटशेल में देखेंगे ये वाला कि कैसे ये इमर्ज हुआ. मैंने इनिशियली आपको बताया कि गांधी जी का कॉन्सेप्ट था मेनली कि एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. वो रूरल एरियाज को बहुत ज्यादा एम्पावर करना चाहते थे और वहां पर पंचायत बैठाना चाहते थे, मतलब पंचायती राज लाना चाहते थे. तो इसके लिए जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया. पार्ट फोर था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट में पढ़े होंगे पिछले साल, जो कि हमारे आर्टिकल 40 में ये चीज डाली गई थी, ठीक. अब उसके बाद ये चीज डाल तो गई, बट
इट डज नॉट गिव गाइडेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ये बोल तो दिया गया कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये हमारे संविधान में डाल दिया, लेकिन उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी। तो पंचायती राज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वॉज फर्स्टली रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी ने इनको फॉर्मली एक रिकमेंडेशन दिया था कि इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। देन द कमेटी इन इट्स रिपोर्ट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है मैंने बहुत डिटेल में बताया है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज गो थ्रू इट, विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज। इट रिकमेंडेड फॉर अ थ्री टायर सिस्टम एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ विलेज लेवल पंचायत। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन की, ये भी नहीं कि कोई ऊपर से बंदा बैठा उसको अपॉइंट कर देगा, ये नहीं, जो लोग हैं वही इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश पंचायती राज एट नागपुर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी नागौर डिस्ट्रिक्ट इन 1959। आफ्टर दिस अशोक मेहता कमेटी और पंचायती राज वॉज अपॉइंटेड इन 1977। उन्होंने भी कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए, कुछ रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद फिर ये जी वी के राव कमेटी ने अपॉइंट हुई 1985 में, और उन्होंने भी कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए। फिर एल एम सिंह भी कमेटी अपॉइंट हुई 1986 में, और उन्होंने भी अपने कुछ उन्होंने कहा कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देनी चाहिए जिससे इतने चेंजेस ना हो पाए उसमें। देन फाइनली जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जून 1989 को, सॉरी जुलाई 1989 को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, बट वो बिल पास नहीं हुआ था राज्यसभा से। जब 1991 में हमारी पंचायत पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, और फिर वो दोनों हाउस से पास होकर के हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोर्स में आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कौन सा एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट में भी मैंने बताया है, आप लोग थर्ड ईयर में पढ़े होंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ये हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया संवैधानिक तौर पर। ये पूरी हिस्ट्री थी। ये अब वही जो आपको मैंने इतने ये जो शॉर्ट में दी हुई है, ये अब लॉन्ग में है, बलवंत राय मेहता कमेटी क्या कह रही है, देन आपका ये अशोक मेहता कमेटी क्या कहा, उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, फिर जीवे की राव कमेटी क्या थी, राइट, और फिर एल एम सिंह भी कमेटी क्या थी, ये सब उसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, आप पढ़ करके इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द वेरियस फीचर्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। यही जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ नया नहीं है, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ये जैसे मैंने आपको 11th शेड्यूल बताया था, जैसे हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये जब अमेंडमेंट आया गया था उस टाइम पे 10 ही थे, ये लास्ट में 11वां और 12वां ऐड हुआ था, 11th और 12th। 11वां था हमारा पंचायत और 12वां था म्यूनिसपैलिटीज, ठीक, तो वही लिया है। इट ऑल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल कंटेनिंग लिस्ट ऑफ 29 फंक्शनल आइटम्स फॉर पंचायत एंड मेड दिस दिस दिस। तो ये ऐड होने से हमारा दो शेड्यूल और ऐड हुआ था, पंचायती इससे पंचायत हुआ था, और इससे इसके बाद जो एक और शेड्यूल ऐड हुआ था उसे म्यूनिसपैलिटीज ऐड की गई थी। तो साइलेंट फीचर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, क्रिएशन ऑफ थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इज 21 ईयर्स, 21 साल मिनिमम होनी चाहिए आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। ऑलमोस्ट फील्ड वाइज डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल शुड बी फिल्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, आपस में जो लोग डिसाइड करते हैं। देन जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है या फिर वुमेन है, उनको प्रॉपर सीट, उनको अपनी रिजर्वेशन उनको होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन को का गठन किया गया ताकि हर स्टेट में एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके। देन टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 5 साल है, और अगर उससे पहले डिसॉल्व हो गई तो फ्रेश इलेक्शन होने होते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। ये सारी चीजें बेसिक है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको अगर कुछ लिखना हो तो उसके बारे में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब कुछ गाइडलाइंस है जो कि बाइंडिंग नहीं है हमारे स्टेट्स पर,
जैसे कुछ तो बाइंडिंग हो गई कि ये चीजें तो मैंडेटरी होनी चाहिए, कुछ मैंडेटरी नहीं है। क्या है कि आप सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर के लोग मेंबर्स को आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आपके ऊपर है, स्टेट की मर्जी है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे SC हो गया, ST हो गया, वुमेन हो गया, ये सब तो हो गया। अब बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, उनको रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये स्टेट्स के ऊपर है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फाइनेंशियल पावर्स इन रिलेशन टू टैक्सेस, लेवाई, फीस एंड एफर्ट्स शैल बी मेड टू मेक पंचायत ऑटोनोमस बॉडीज। उनको टैक्स कलेक्शन की पावर देनी है कि नहीं देनी है, अगर देनी है तो कितने और किस लेवल तक देनी है, ये सारे डिसीजन स्टेट के हाथ में है। ठीक, ऐसी कोई बाइंडिंग चीजें नहीं है। देन मेंशन वेरियस इश्यूज दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर फेसिंग। अब इश्यूज क्या है? सबसे पहले तो फंडिंग आ जाएगी, मिनिमल पावर्स टू जनरेट रेवेन्यू। अगर कोई भी चीज चल रही है तो हमको, अगर कोई चीज चलानी है तो सबसे पहले क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। अगर हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई चीज मीन्स नहीं है तो फिर हम कैसे उसको चलाएंगे? दे डू नॉट हैव द पावर टू लेवाई टैक्सेस, मतलब कर यानी टैक्स लेने के लिए उनके पास पावर नहीं है। देयरफॉर दे आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर फंडिंग। वो राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं अपनी फंडिंग के लिए, तो उनकी फंक्शनल ऑटोनॉमी तो चली गई। तो वही है कि आप जब तक फंड आएगा नहीं तब तक कोई काम होगा नहीं, तो एक लिमिटेशन हो गई। देन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज मेंट टू इंश्योर एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हाउ एवर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन आर नॉट एक्सेप्टेड। जैसे हमारा एक फाइनेंस कमीशन होता है सेंट्रल लेवल पे, वैसे स्टेट लेवल पे भी हमारा एक फाइनेंस कमीशन होता है। तो ये रखा गया है ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म की तरह साबित हो, लेकिन जो उसके रिकमेंडेशन रहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं कई केसेस में। नो स्टेट और यूटी हैव ट्रांसफर्ड ऑल 29 फंक्शन और सब्जेक्ट टू द PRI। किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर नहीं किए हैं। ये जाहिर तरह से बात बताता है कि दिस क्लियरली शोज दैट इन इंडिया द पंचायत्स आर मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट एंड नॉट लाइक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। मतलब वो सिर्फ एक राज्य का एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, ये नहीं कि वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गए या फिर राज्य उनको अलग नहीं कर सकते, करना चाहती है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स लाइक द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स क्रिएटेड टू एक्सपीडिट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आर नाइदर नॉन फंक्शनल और डू नॉट गिव प्रायोरिटी टू PRI। ओके, लिमिटेड एफर्ट्स हैव बीन मेड टू एम्पावर इलेक्टेड PRI रिप्रेजेंटेटिव्स विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। द फोकस हैज मोस्टली बीन ऑन ट्रेनिंग्स ऑन द स्कीम एंड प्रोग्राम। मतलब जितना सिर्फ उनको ट्रेनिंग और स्कीम्स में ही रखा गया है, उनके बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स, PRI रिप्रेजेंटेटिव्स को एनकरेज नहीं किया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट, इवन आफ्टर द लेजिस्लेटिव ऑफ कीपिंग द पंचायत क्लीन फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्टिल देयर एग्जिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कोशिश ये रखी जाती है कि हमारी जो पंचायत बने वो उसमें राजनीति ना हो, लेकिन फिर भी जो नौकरशाह है और हमारी राजनीति है बड़ी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उससे वो दूर नहीं रह पाते। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू इंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज। ये सब थोड़ा इजी सा है। पीपल का पार्टिसिपेशन मतलब लोगों का सहभागीदारी हम कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग द ग्राम सभा, जो हमारे लोगों की जो पूरा समूह है। ठीक है, जब तक लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे, लोकल लोग, तब तक कोई भी चीज सक्सेस नहीं हो सकती है। तो इसीलिए तो ग्राम सभा को पहले उसको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, ओनली अ स्ट्रॉन्ग ग्राम सभा कैन एंश्योर द एक्विजिशन ऑफ द कैपेसिटी इन द मेनी टू रेगुलेट अथॉरिटी। जब ग्राम सभा स्ट्रांग होगी तभी कोई कभी उनके पास कैपेसिटी होगी कि वो किसी अथॉरिटी को रेगुलेट कर सके। मतलब कोई भी अगर डिसीजन आता है, अगर कोई यूनिटी में खड़ा रहता है तभी उसको वो रिवोक कर सकते हैं। अगर खुद ही आप में वीक है तो फिर कैसे वो किसी और से लड़ेंगे? देन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ वुमेन एंड दलित्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही एक विलेज लेवल पे बहुत बड़ा यूनिट प्ले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे वुमेन हो चाहे वो आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हो।
तो अगर ये लोग स्ट्रांग होंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो बातें होंगी, जो भी उस वहां की जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो ज्यादा बेहतर समझी जाएंगी। जैसे एक सिंपल सी ये विमेन का है, अगर विमेन को विमेन के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती है, स्पेशली इन द विलेजेस, वो उनको घर भी देखना होता है एंड दे वर्क ऑन द फील्ड्स एज वेल, बट स्टिल दे डोंट हैव द वॉइस फॉर इट। अगर उनको वॉइस दी जाती है तो वो अपने लिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज एनेबलिंग पंचायत टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन रिसोर्सेस। मतलब पंचायत को इस तरह की आपको एक तरह से परमिशन या उनको पावर देनी होगी कि वो अपने रिसोर्सेस को खुद कंट्रोल कर सके, सो दैट दे कैन वर्क बेटर फॉर इट। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग लिंकेजेस बिटवीन कम्युनिटी ग्रुप्स एंड पीआरआई। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, हाँ, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करना। ये एक स्ट्रॉन्ग, अगर लोग पीपल्स पार्ट, अगर लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग लिंक स्टैब्लिश हो सकता है, जिससे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस एनेबलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। सेम वही चीज है, नटशेल में लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। वही सारे चार पॉइंट हैं जो लिखे हैं यहाँ पर। डिस्कस द करंट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पीआरआई इन इंडिया। ये भी अभी बात की हम लोग, फाइनेंशियल पोजिशन उनकी क्या है। तो फाइनेंशियल पोजिशन सही नहीं है। इट इज सजेस्टेड एट 30 to 40% ऑफ स्टेट प्लान वी डिवॉल्व ऑन लोकल बॉडीज। ऑल पी आर आईज हैव अ पुअर फिस्कल फिस्कल बेस, रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ द पी आर आई इज जनरली लिमिटेड। उनके पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत ही लिमिटेड होती है, वो लोग हेविली डिपेंडेंट होते हैं आपके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे। जो कुछ कुछ जैसे बट टिल सच टाइम दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट बजट्स शुड स्पेसिफाई द अमाउंट ई अमाउंट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने बजट में एक एक अमाउंट रख देना चाहिए कि ये हमारे पंचायती राज के लिए ही यूज होगा। जैसे एक रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मान लीजिए रखा जाता है ना 100 करोड़ का बजट दिया गया है, तो उसी तरह हमारे पंचायती राज के लिए या पंचायत के लिए कितना बजट रखा गया है उतना वो चीज एलोकेट हो जाना चाहिए। और इट इज सजेस्टेड दैट 30 to 40% ऑफ स्टेट प्लान बी डिवॉल्व ऑन लोकल बॉडीज। मतलब कि मान लीजिए आपका जो, अगर टोटल आपका 100 करोड़ का बजट है लेट से, तो उसमें से 30 से 40 करोड़ आपका लोकल बॉडी यानी कि लोकल लोकल एरियाज के लिए फोकस्ड रहना चाहिए। इन एडिशन अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसेस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड फंड्स, सो दैट फंड्स कैन यूटिलाइज एज पर द फेल्ट नीड्स ऑफ द पंचायत्स। अनटाइड फंड्स, इसका कहने का मतलब है पार्ट ऑफ द फाइनेंसेस, मान लीजिए कि 40 करोड़ का फाइनेंस किया गया, ठीक है। अब वो 40 करोड़ में वो भी लिखा जाता है कि 40 में से आपका 10 करोड़ इंफ्रा के लिए है, 10 करोड़ एजुकेशन के लिए है, मान लीजिए 10 करोड़ आपका एग्रीकल्चर के लिए है, तो 30 करोड़ हो गए, बाकी बचे 10 करोड़, तो इसको स्पेयर छोड़ दीजिए। इसको ये मत रखिए कि ये किसके लिए है, ये बस अनटाइड फंड, मतलब किसी चीज के लिए बांधिए मत, उसको हम वैसे यूज करेंगे जिससे हमारी जरूरत हो। मान लीजिए कि हमको हेल्थ में यूज होगा तो हम हेल्थ में यूज करेंगे, हमको किसी और चीज में, किसी आवास किसी को देना होगा तो उसमें यूज करेंगे, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाएगी उसमें यूज करना होगा तो उसमें करेंगे। तो वही चीज है, इसको अनटाइड फंड रखिए, मतलब स्पेयर रखिए। देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पीआरआई इसका, ठीक है, ओके। व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑल्सो गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। अगेन वही कि अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां पर फाइनेंस की कमी है, तो वहां पर अगर हम फाइनेंस कमीशन लाते तो उसकी क्या आवश्यकता होगी। देर हैज बीन अ कंसर्न विथ रिगार्ड, सेम चीज है वही, नथिंग न्यू। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू कलेक्ट डेटा विथ रिगार्ड टू द फाइनेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पीआरआई। क्या फाइनेंसेस हैं, क्या उनका इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर है, अगर ये हमको मालूम होगा तो ये हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, तो वो फाइनेंस कमीशन बेटर आपका बता सकती है प्लानिंग।
देन टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एलोकेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिफरेंट लेवल्स एंड देयर परफॉर्मेंस, टू एनालाइज द रिसोर्स सिचुएशन विद रिगार्ड टू द फंक्शन एलोकेटेड टू द पीआरआईज, कैसे कैसे रिसोर्स उनको एलोकेट हुए हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस है जो पंचायती राज जिसपे वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, और जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था उसको लेकर के जो इम्प्लीकेशंस है उसको एनालाइज करना, ये सारा ऑब्जेक्ट होगा हमारे किसका, फाइनेंस कमीशन का। सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द विलेज लेवल, क्योंकि हम लोग हायर लेवल की बात करते हैं वहां पर फाइनेंसेस की बात करते हैं, बट लोअर लेवल पे फाइनेंसेस की बात नहीं करते, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वील स्टार्ट विथ पार्ट टू, दैट मतलब पार्ट 5, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल फाइनेंस इन इंडिया। थैंक यू।